दोस्तों आईपीएल के लिए सॉमीज को शुरू होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है। हम सबको पता है कि आईपीएल का आराम 22 मार्च से होगा, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ओपनिंग मैच खेला जाएगा। लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने अभी तक सिर्फ 21 मैचों का शेड्यूल ही जारी किया है, जो कि पहले 2 वीक में ही खत्म हो जाएंगे। इसके बाद का शेड्यूल बीसीसीआई कब जारी करेगा और अभी तक जारी क्यों नहीं किया है, इस सभी का सवाल सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई के पास ही है। लेकिन हम सबको पता है कि आईपीएल के बीच में इस बार लोकसभा का इलेक्शन भी होना है। अब यह इलेक्शन के कारण आईपीएल दूसरे देश में शिफ्ट होगा। ऐसा पहली बार नहीं होगा जब आईपीएल भारत से किसी दूसरे देश में शिफ्ट होगा। साल 2009 में इलेक्शन के कारण भी आईपीएल दूसरे देश में शिफ्ट हुआ था, ठीक वैसा ही साल 2014 में भी आईपीएल इलेक्शन के कारण दूसरे देश में शिफ्ट हुआ था, और कोविड के कारण 2020-21 में भी आईपीएल दुबई में शिफ्ट हुआ था। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि आईपीएल किसी और देश में शिफ्ट होगा, लेकिन अभी तक इस खबर की पूरी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों से उनके पासपोर्ट को जमा करने के लिए कहा गया है। अब बीसीसीआई ऐसा क्यों कर रही है या तो बीसीसीआई को ही सिर्फ पता है, बट अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि इस बार आईपीएल का दूसरा फेज भारत में नहीं होगा और किसी और देश में शिफ्ट कराया जाएगा। अब कौन से देश हैं टॉप लिस्ट में जो कि इस टूर्नामेंट को होस्ट कर सकते हैं, उनमें से सबसे पहला नाम आता है दुबई का, क्योंकि दुबई हमेशा से ही भारत में दूसरा घर माना जाता रहा है। भारत के कई मैचेस दुबई में हुए हैं। हम सबको पता है कि कोविड के टाइम भी आईपीएल जो कराया गया था वो दुबई में कराया गया था। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार बीसीसीआई जब सभी खिलाड़ियों से पासपोर्ट की मांग कर रही है, तो साफ तौर पर साबित हो रहा है कि बीसीसीआई इस टूर्नामेंट को दूसरे देश में शिफ्ट कराने की प्लानिंग कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो देखना दिलचस्प होगा कि यह टिकट अलाउ होगा भारतीय फैंस के लिए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम रहेगा और सभी कोई भारत में बिजी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि आईपीएल को किसी और देश में कराना फायदेमंद होगा या नहीं। हम सबको पता है कि आईपीएल दुनिया की सबसे अमीर लीग है, खासकर क्रिकेट के मामले में। ओवरऑल स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो आईपीएल सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में तीसरे नंबर पर है। अब कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा टूर्नामेंट उसके देश से बाहर। अब इसका अंतिम फैसला बीसीसीआई करेगी।